अच्छा जी, सलाम अलैकुम। आज हम अपनी बकरियों को जो है वो विटामिन सी दे रहे हैं। विटामिन सी जो है वो आप ये समझ लें कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विटामिन सी की वजह से जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो इनका इम्यून सिस्टम जो है यानी कि बीमारियों के ख़िलाफ़ जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो कम हो जाती है। तो इनको हम ओकेजनली यानी कि महीने में एक दो दफ़ा लाजमी विटामिन सी देते हैं। स्पेशली जो बकरियां दूध दे रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके अडर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हवाने की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी इससे दूर होती हैं, इनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो प्रोडक्टिविटी में भी काम आता है, इनकी दूध की पैदावार, गोश्त की पैदावार को बढ़ाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इनको विटामिन सी दे रहे हैं। विटामिन सी हम लेकर आए हैं नींबू यानी कि लेमन, लीमू का जूस हमने निकाला इस बोतल में, और हम एक एक सिरिंज तकरीबन तमाम बकरियों को अपनी दे रहे हैं। बच्चों को आधी सिरिंज देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको दिखाते हैं कि ये बड़े शौक से पी लेती हैं। आ जाए दिखाएं आपको। लेकर आओ यार, इसको तो दे दिया ना, नहीं दिया ऐसा। आ जाओ अंदर आ जाओ। बस सही, तो किसी भी सिरिंज में इसको ले लीजिए, साइड से इस तरीके से आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता पिला देना, आराम से पी लेंगे। ये जायका बहुत अच्छा होता है, बकरियों को बहुत पसंद है ये। तो इसको भी पकड़ो, अभी और मांग रही है तो इसको थोड़ा और दे दो। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, थोड़ा और दे दो इसको, कोई मसला नहीं। पीने दो, मज़ा आ रहा है इनको पीने में, तो पीने दो। तुम्हें क्या कह रही है हमारे पास, ऐसा मसला नहीं है। तो क्योंकि जो चीज़ बकरियों को अच्छी लगती है वो ये शौक से खाती हैं और पीती भी हैं। ये देखो अब दोबारा मांग रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं हमने इनको देना क्योंकि हमने सबको पूरा करना। इतना सारा हम लेके नहीं आए, हम बड़ी बकरी को दो सिरिंज भी दे सकते, छोटी बकरी को एक दे दीजिए। ये बकरी दूध दे रही है तो इसको मैं दो दे रहा हूँ। गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा रहता है ये, और इसको जो है आप बना के और रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, जब दिल चाहे ला के पिला दे। तो ये आज के लिए आपके लिए मैंने कहा कि आपको बता दूँ विटामिन सी देने के फ़ायदे, और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आपको बताते रहेंगे जो जो हम रेमेडीज़ हर्बल देते हैं अपने जानवर को। तो आइंदा मुलाकात होगी आपसे फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।